राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। नगर निगम अलर्ट मोड पे है और वार्डों में छिड़काव कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय जी, हम सीधे बात करते हैं। मालती जी, सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि फॉगिंग क्या स्थिति, किस तरीके से वार्ड में? निश्चित ही वार्डों में फॉगिंग मशीन चल रही है। मलेरिया विभाग से भी चर्चा हुई है, जहां पर भी मलेरिया के माध्यम से और हम छिड़काव करवा सकते हैं, वो भी हमारा काम चल रहा है। और उसके बाद भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि कुछ ऐसे स्थान जहां पर यदि पानी पुराना भरा हुआ रखा है या कहीं ऐसी स्थिति आपको दिखती है कि गड्ढा है और उसमें पानी भरा है, तो नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन पर तत्काल आप सूचना करें। महापौर हेल्पलाइन का नंबर है 155304, ताकि नगर निगम का कर्मचारी तत्काल जाके उस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेगा। लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप लोग लावा नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर से वहाँ डेंगू की स्थिति, कुछ जुर्माने की स्थिति भी बन रही है? अब अभी ये देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वहाँ पर पानी भरा हुआ है तो उनको पहले समझाइश करेगा नगर निगम कि वहाँ पानी पुराना भरा हुआ ना रखा रहे, ताकि मच्छर पैदा हो, लेकिन साफ सफाई वो रखे, इस तरह का प्रयास किया जाए। देखने को मिल रहा है कई डेंगू पीड़ित जो मरीज है उनका ये कहना है कि नगर निगम जो टोल फ्री लाइन दी हुई है वहाँ पे फोन किया लेकिन उसके बाद भी टीम नहीं पहुंची, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, टोल फ्री नंबर पर तो ऐसा नहीं होता है कि टीम ना पहुंचे, टीम तत्काल पहुंचती है। और हमने आपको बताया महापौर हेल्पलाइन भी टोल फ्री नंबर है और उस पर जैसे ही फोन होता है 24 घंटे के अंदर उधर समस्या का समाधान होता है। हालांकि राजधानी भोपाल में 400 से ज्यादा इस समय डेंगू के मरीज पीड़ित हैं और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द भोपाल में डेंगू पे नियंत्रण किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सेलिब्रिटीज